हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमिला। प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार रेसिपी, और आपको ये पसंद आती है तो फ्रेंड्स जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स का मौसम हो, कुछ चटपटा फ्राई मिल जाए तो मजा आ जाता है। रेसिपी बड़ी मजेदार, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। बरसात का मौसम हो और शाम का टाइम हो तो ऐसे में क्या खाएं? खाइए पोहा कटलेट्स। तो खाना है तो बनाना भी पड़ेगा, तो चलिए फिर। अब लिया है यहाँ पर हमने पोहा, या आप इसके लिए पैकेट वाला ही पोहा इस्तेमाल करें, इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होती है। और सॉफ्ट वाला पोहा लें, एक हार्ड वाला भी आता है उसको नहीं लेना है हमें। अब इसको 3 से 4 बार हम पानी से अच्छे से धो लेते हैं, जिससे ये साफ भी हो जाए और इसकी जो डस्ट है थोड़ी बहुत वो भी निकल जाए इसमें। इस तरह से इसको हम धो लेते हैं। हमने इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया, देखिए काफ़ी क्लीन हो गया है। अब थोड़ी देर हम छन्नी को इसको ऐसे ही रखेंगे अपने बाउल पर, जिससे इसका जो भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए, और पानी से निकलने के बाद में थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये अच्छे से निकल गया है इसका, और ये देखिए सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा बाउल, और इसमें हमने सारा 1 कप पोहा डाल दिया है। अब पोहे को हम एक बार अच्छे से मैश कर लेते हैं। इस तरह से इसको मैश कर ले, सॉफ्ट हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसमें इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी बिल्कुल भी। पोहे को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 हमने डाले हैं बॉयल पोटैटो, जिनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें जाएंगे ड्राई स्पाइसेस, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून लिए ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, अनियन यहाँ पर हमने एकदम फाइन चॉप लिया है 1 अनियन लिया है यहाँ पर हमने। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने कैबेज लिया है एकदम फाइन चॉप्ड है ये, और यहाँ पर हमने ले लिया है कैप्सिकम, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, आप यहाँ पर कैरेट भी ले सकते हैं। इसको हमें बिल्कुल क्रिस्पी बनाना है तो 1 स्पून डाल देंगे यहाँ पर हम राइस फ्लावर। अगर आप सोचें राइस फ्लावर नहीं है आपके पास में तो क्या डालें, आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है, चाहे तो इसको आप अच्छे से हाथ से करेंगे तो बढ़िया से इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी, और सभी हमारे जो वेजिटेबल्स हैं मसाले हैं वो अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। अब सारे बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं ये, अब इनकी हमें क्या बनाने हैं, कटलेट्स। साइज में आप अपने बड़े छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए बढ़िया से बाइंडिंग हो रही है इसकी, तो हम इसको गोल शेप में बनाएंगे, आप इसको हार्ड शेप में भी बना सकते हैं। बस इस तरह से इसको राउंड में कर लीजिए। राउंड में करने के बाद में इसको पुश करेंगे और ये हमारा कटलेट्स बनकर एकदम रेडी हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं और एक अच्छी शेप आ जाती है इसकी। तो ये लीजिए, इसी तरह से हम सभी अच्छे से बना लेते हैं कटलेट्स। सभी कटलेट्स तैयार कर चुके हैं, और यहाँ पर हमने ऑयल को भी गर्म करने रख दिया है। 1 स्पून लेंगे मैदा, और 2 स्पून लेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम एक सलरी सी बना लेते हैं इसकी, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, इसको हमें थिक नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही करके बनाना है इसे। ये लीजिए तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर हमने फ्रेश लिए हैं ब्रेड क्रम्स, एक एक कटलेट्स इसमें हम डालेंगे, और इसके बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इस तरह से इसको हमें कोट कर लेना है, इससे क्या होगा एकदम क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे। अब इसको हमें फ्राई करना है। तो लीजिए हमने इस तरह से भी इनको सबसे पहले तैयार कर लिया है, क्योंकि एक साथ करने से काफ़ी इजी हो जाते हैं फ्राई करने में। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है, और 1 बाय 1 करके इसको हमें ऐड करना है।
पहले मीडियम में रखेंगे, बाद में जब ये 50% हो जाएंगे उसके बाद ही हमें हाई करना है, पहले से हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया, एकदम गोल्डन गोल्डन। इसमें अब गैस की फ्लेम को क्या कर दीजिए, हाई पे कर दीजिए, एकदम ये हो जाएंगे क्रिस्पी। फिर इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, खाने के लिए सर्व करेंगे मज़ेदार से एकदम। तो लीजिए हो चुके हैं फ्राई, अब इनको निकाल लेते हैं। बरसात का है क्या मौसम, तो खाने में आने वाला है शाम को मज़ा। अभी सुनाते हैं आपको इसकी आवाज़, देखते हैं रखने से भी कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है इसकी, आ रही है ना एकदम। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा।